Hyderabad International School, CBSE Plus Exceed syllabus, which is followed in eight countries. Modern Plus Islamic Education, five-step activity-based and playway method. Launching separate branches for girls at. असला नाजरीन आप सबका खैर मकदम है ए एटीन तेलंगाना न्यूज पर आज 10 अगस्त ट्यूजडे का दिन है आए नाजरीन देखते हैं इंटरनेशनल और नेशनल के खास खबरें समाजवादी के लीडर आजम खान और उनके बेटे को बड़ी राहत आज सुप्रीम कोर्ट दोनों को बेल पे रिहा कर देने का ऐलान किए हैं वाइफ जस्टिस ए एम खान बिलकार और संजीव खाना के पास बेल की अपील आई थी जो कि पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी 26 नवंबर 2020 को और इसकी वजह सबूतों के साथ खिलवाड़ करने की बताई गयी सुप्रीम कोर्ट ने बेल की मंजूरी दे दी है इंडिया भर में पिछले 24 घंटों में अठावीस नए कोविड 19 केसेस दर्ज किए गए इंडिया में ट्यूसडे के दिन सबसे ज्यादा कम केसेस दर्ज हुए पिछले एक दिनों में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कहा इंडिया में सबसे ज्यादा रिकवर रेट रिकॉर्ड हुई है जो है सत्तानवे फीसद और इंडिया में पिछले चौबीस घंटों में तीन कोविड नाइन्टीन मुतासरी की मौत वाकई हुई तुर्की के बाद अब ग्रीक में आग लगने का वाक़ पेश आ रहा है सौ से ज़्यादा परिवार वाले बेघर हो गए आग लगने के सब एक हज़ार चार सौ पचास फायर फाइटर्स और करीब पंद्रह एयरक्राफ्ट ग्रीक में आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं तमाम गांव और इलाकों को खाली कर दिया गया है आग पर काबू पाने के लिए जंगल तबाह हो गए बड़े पैमाने पर आग लगने के वाक़ात पेश आ रहे हैं मुख्तल इलाकों में आग को काबू में लाने की कोशिश जारी है चीफ मिनिस्टर वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने ऑफिशियल्स को हिदायत दी के वक्फ़ प्रॉपर्टीज की हिफाजत करें कैंप ऑफिस पर माइनॉरिटी वेलफेयर के तल्क से तफसली इजलास मुनद किया गया मंडे के दिन यानी आज जिसके तहत चीफ मिनिस्टर ने ऑफिशियल्स को हिदायत दी के वक्फ जमीनों की हिफाजत किए जाए और वक्फ़ जमीनों के अतराफ दीवार ठहराया जाए नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के तहत ताकि लोग गैर कानूनी कब्जा न करें यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन अमेरिका की बिगड़ती हालात को देखते हुए डेल्टा वेरिएंट के सब बार बार आवाम से गुजारिश कर रहे हैं कि वो वैक्सीनेशन करवाए और मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें ताकि कोरोना केसेस में इजाफा ना हो कोविड नाइन्टीन के केसेस में इजाफा और कोरोना मुतासरी की मौत की गिनती में इजाफे होते जा रहे हैं पेशेंट्स की गिनती में इजाफे हो रहे हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं खूस उन कम्यूनिटीज में ज्यादा केसेस दर्ज हो रहे हैं जहाँ वैक्सीनेशन कम तादाद में हो रहे हैं सेंटर्स फॉर डिजीज डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंटेशन सी ने कहा वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देते हुए सऊदी अरब की हुकूमत ने माहिर और एजुकेटेड खातिनों को चुने हैं मक्का और मदीना के लिए अरब न्यूज के मुताबिक प्रेसिडेंट ऑफ दी जनरल प्रेसिडेंसी शेख अब्दुल रहमान अल सऊदियास ने संडे के दिन डॉक्टर अल अनूत अल बाउद और डॉक्टर फातिमा अल रशूद इन सब असिस्टेंट चुने हैं ऑफिस के लिए बीजेपी मेंबर अश्वनी उपाध्याय को पांच दिगर लोगों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करने दिल्ली जंतर मंतर से संडे के दिन अश्वनी उपाध्याय ने लोगों के साथ एहतजाज किए मुसलमानों के खिलाफ जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके रात भर सवालत किए मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करके दंगे फैलाने की कोशिश करने इन लोगों को गिरफ्तार किया गया यूनाइटेड अरब एमरेट्स (यूएई) के रहने वाली इंडियन फैमिली जो तेलंगाना स्टेट से यूएई जा रहे थे उन्हें 180 सीटर वाली खाली फ़्लाइट मिली एयर अरेबिया फ़्लाइट्स जो हैदराबाद से शारजा जा रही थी उनसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए गए